बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के वांछित चल रहे भूमाफिया टोटन सिंह पुत्र लाला राम निवासी ग्राम नौगवा जागीर थाना इज्जतनगर आशुतोष सिटी फन सिटी के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त लोटन के विरुद्ध थाना किला कोतवाली भुता इज्जतनगर वारादरी थानों में लोगों के साथ धोखाधड़ी व फर्जी कागजात तैयार कर अवैध रूप से जमीन हड़पना तथा लोगों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ घर में घुसकर मारपीट गुंडागर्दी व जानलेवा हमला करने के साथ अपनी पत्नी की हत्या करने जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि थाना इज्जतनगर क्षेत्र के अंतर्गत लोटन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लोटन सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी हुई थीं। पुलिस ने उसे इज्जतनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। थाना इज्जतनगर पे 386, 506 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लोटन सिंह नाम का एक व्यक्ति नामजद अभियुक्त था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई थी। आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी में जो है थाना बारादरी इज्जतनगर की संयुक्त टीम इस पर अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही थी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हमारे थाने के जो अनुरक्षित रजिस्टर हैं और अन्य सारे जो साक्ष्य है उसके आधार पर हमने जो इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि हमारे जनपद के अन्य थानों पर कुल मिलाकर इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। ये व्यक्ति जो है मुख्य रूप से धोखाधड़ी, रंगदारी और अवैध तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ये ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करता था और जो व्यक्ति इसका प्रतिरोध करता था तो उसके साथ मारपीट करना, गाली गलौज, घर में घुस के इत्यादि इस तरीके की घटना को ये कारित करता था और जनपद के अन्य थानों में भी इसको कम कदम है, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है और इसको मान्य न्यायालय। कोई हत्या का भी मुकदमा इस पर? हाँ, एक 2011 का किला थाना में 342 का मुकदमा इसके ऊपर पंजीकृत हुआ था, जिसमें जा सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।